आज हम जानेंगे एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में। सबसे पहले तो इसे मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक से ज़्यादा क्वांटिटी को चेक करता है, जैसे रेजिस्टेंस, करंट डीसी का, उसके बाद वोल्टेज एसी और डीसी वोल्टेज। उसके बाद एनालॉग मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्केल होता है उस पर पॉइंटर मूव करता है, सुई मूव करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग मल्टीमीटर। अब देखते हैं कौन सी जगह किस चीज़ को चेक किया जाता है। सबसे पहले इसमें दो लीड लगती हैं, एक यहाँ कॉमन होती है, कोई भी क्वांटिटी चेक करनी हो ये कॉमन रहती है और इसको नेगेटिव लीड के रूप में यूज़ करते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। दूसरी जो भी चीज़ हमें चेक करना है उसमें लगाएंगे, जैसे हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है तो इस पर कम रेजिस्टेंस और यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस को चेक किया जा सकता है, इस पर लगाएंगे। और हमारे पास एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस चेक करके देखेंगे। जैसे ये हमारे पास बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस देखेंगे कैसे चेक होगा। तो एक को इसमें लगाएंगे और एक को इसके साथ लगाएंगे। अब देखो ये सुई हमारी उड़ गई है, इसका रेजिस्टेंस लगभग 15 ओम के करीब है, बल्ब का रेजिस्टेंस 15 ओम के करीब है। ये स्केल दे रखा है हमें, यहाँ 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, तो यहाँ 15 के करीब है ये। उसके बाद ज़्यादा रेजिस्टेंस तो इस लीड को इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे मेगा ओम में। उसके बाद हमें चेक करनी है एसी की वोल्टेज, तो ये वाली तो कॉमन ही रहेगी, एक लीड एसी की वोल्टेज चेक करनी है। हमारे पास अभी 250 वोल्ट के करीब है, हम 500 में लगाते हैं, हम लगभग 500 वाले पोर्ट में लगाएंगे, ये 500 का पोर्ट है, इसमें लगा के अभी चेक करेंगे, एसी की वोल्टेज चेक करनी है। तो ये देखिए लगभग हाफ उठा है, इसका मतलब 250 वोल्ट हमने 500 वोल्ट वाले पोर्ट में लगाया है और ये हाफ सुई उठी है, तो इसका मतलब ये 250 वोल्ट शो कर रहा है। उसके बाद हमें चेक करनी है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इसको चेक करेंगे तो ये 10 वाली में लगाएंगे, 10 वाली में लगा लो चाहे 50 वाली में लगा लो, हम 10 वाली में लगा के देखते हैं। अगर 10 वाली में शो ना करे तो फिर हम 50 वाली में लगाएंगे। 10 वाली में लगा लिया, अभी देखो हमने ये बैटरी में लगाया तो लगभग ये देखो 10 वोल्ट यहाँ होती है, उससे थोड़ा कम दिखा रहा है, इसका मतलब ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ऐसे डीसी चेक करते हैं। उसके बाद डीसी का हमें करंट चेक करना है, ये एसी का करंट चेक नहीं करता है, डीसी का करंट चेक करता है। उसके लिए हम लगाएंगे, जैसे इसमें लगा लिया 10 वाली में, 10 एम्पियर तक वाली में लगा लिया। उसके बाद एक का तो लोड का टर्मिनल यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला है नेगेटिव में लगा रखा है, नेगेटिव वाली लीड इसमें लगाएंगे, नेगेटिव की जो लीड है वो इसमें लगाएंगे और फिर पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहाँ लगाएंगे, तो इसमें ये करंट शो करेगा।